हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? भाई आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है आर बी आदोराम भाई, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह का पोस्टर डिजाइनिंग की जो विजयदशमी का पोस्टर डिजाइनिंग करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है। वीडियो देखने के बाद पूरा लाइक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपको वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और इसको बनाने के लिए आपको सारे PNG PLE वाले जो मिल रहा है आपको इस वीडियो फ्री में मिलता है। मेरा नो पासवर्ड है और इसमें कैसे डिजाइनिंग करना इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको हम दे देते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बता देते हैं आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम पिक्सेल एप्लीकेशन। और पिक्सेल एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, यहाँ पर से आपको पिक्सेल एप्लीकेशन पहले आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। और ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा न्यू टेस्ट का, इसको डिलीट कर देना है। और जो फाइल आपको अनजिप करने के लिए दिया गया उस फाइल को अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको पिक्सेल एप्लीकेशन में आने के बाद आपको थ्री आइकन पर क्लिक करना होगा। यूज फॉर इमेज गैलरी पे जाना होगा, यहाँ पर जाने के बाद आपको अपने आपका फाइल मैनेजर में जाना है, जहाँ फाइल को डाउनलोड करके अनजिप करके रखे उस फाइल पर चले जाना है। और उस फाइल का नाम था विजयदशमी पोस्टर वन करके है, इसको आप ओपन करेंगे। अंदर आप सारे PNG PLE फाइल आपको देखने को मिल जाएंगी। और सबसे पहले आपको क्या करना होना, एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको कुछ इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद आपको सारे PNG कैसे डालना है। सबसे PNG डालने के लिए इस वीडियो में आपको प्लस वाले सेलेक्ट करना होगा, फॉर गैलरी पे जाना है, ठीक है। और फॉर गैलरी जाना, फिर इंटरनल में जाना है। और जाने के बाद आपको उस फाइल में फिर से आ जाना विजयदशमी में। और कुछ इस तरह का पहले आपको PNG देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह PNG सेलेक्ट करना है। और इस नेम PNG को आपको सेलेक्ट करके बीच वाले टाइप करके और इसका रिलेटिव साइज 100 कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फॉर गैलरी पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद इंटरनल में जाना है। इंटरनल में जाने के बाद फिर से उसी वाली फाइल पे आपको आ जाना है। उस फाइल पे जाने के बाद कुछ इस तरह का PNG फिर से आपको देखने को मिलेगा, इस PNG को सेलेक्ट करना है और इसका भी रिलेटिव साइज आप 100 कर दोगे, इस तरह से आपको माला वाला PNG लग जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फॉर गैलरी पे जाएंगे। यहाँ पर जाना है, इंटरनल में जाना है। इंटरनल में जाने के बाद आपको मैं बता दूँ, फिर से उसी वाले फाइल में आपको चले जाना है विजयदशमी वाले में। इसमें जाने के बाद कुछ इस तरह का PNG आपको फिर से शो करेगा, इस PNG को भी ले लेना जैसे आप सभी देशवासियों को, ठीक है। अगर आप लोग कुछ और लिखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस अपने हिसाब से लिखने के लिए यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ टेस्ट का ऑप्शन देखो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम फिर से उसी वाले फाइल में जाएंगे, कुछ और PNG आपको दे दिया गया है, उस PNG को भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इस वाले फाइल में जाते हैं, विजयदशमी का जो PNG मैंने बनाया है, इस तरह विजयदशमी का PNG हम यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरह से लगा लेते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फॉर गैलरी पे आएंगे, इंटरनल में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद फिर से उसी वाले फाइल में आपको आ जाना है। उस फाइल में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिले कि हार्दिक शुभकामनाएं, इस PNG को भी आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर देना है, इस तरह से लगा लेना, ओके कर देना है। उसके बाद कुछ PNG आपको देखने को मिले, दस जो राम श्री राम का और कुछ रावण का इस तरह का PNG आपको देखने को उसी वाले फाइल में आपको मिल जाएगा। उस PNG को आपको इस तरह सेलेक्ट करना, ओके कर लेना है। और इस तरह बीच में टाइप करके इसका रिलेटिव साइज होता है 100 कर लेना है। 100 करने के बाद ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको डुओ पे क्लिक करके इसका साइज आप अपने हिसाब से इसके नीचे लाकर छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से आपको लाके इस तरह से लगा देना, आपको देखिए कुछ इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर सिर्फ ओनली वन आपको क्या करना, प्लस वाला सेलेक्ट करना है, कोई गली पे आना है। और यहाँ पर जाएंगे उस वाले फाइल में कुछ शायरी लिखा हुआ मिल जाएगा, उस शायरी को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो उस शायरी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, उस शायरी को सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद रिलेटिव साइज आपको 100 कर देंगे, यहाँ पर आकर लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें अपना नाम और फोटो डालना है। तो नाम और फोटो लगाने के लिए आपको प्लस पे सेलेक्ट करना होगा, फॉर गैलरी पे जाना होगा। उसके बाद जहाँ भी PNG फोटो आपने अपना बना कर रखे हैं कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर दिनेश लाल यादव इनका फोटो ही ले लेते हैं, इस वाला, इसको सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ले आकर इसको चाहो तो थोड़ा सा और बड़ा अपने हिसाब से, इसको जितना बड़ा छोटा करना चाहते हो आप इस तरह से अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो, जितना आप बड़ा और छोटा पोस्टर फोटो लगाना चाहते हैं। अब रह गई बात, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए यहाँ पर न्यू टेस्ट पे जाएंगे, न्यू टेस्ट को लेकर आएंगे नीचे। उसके बाद यहाँ दो बार टाइप करके आल डिलीट करके हिंदी में अपना नाम लिखे, जैसे इनका नाम दिनेश लाल यादव है, तो दिनेश, ठीक है, लाल यादव, ठीक है। यहाँ पर दिनेश लाल यादव मैंने लिख दिया, ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपको ए पे क्लिक करना है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, जो भी कलर आपको इसमें मैच खाए उस कलर को वाइट कर लेते हैं। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फॉन्ट का ऑप्शन देगा, यहाँ पर से बोल्ड फॉन्ट हम सेलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसका नाम हम बड़ा कर लेंगे अपने हिसाब से, इस तरह से लगा देंगे। अब यहाँ पर पूरी पोस्टर डिजाइनिंग हो चुकी है। इसके बाद आपको इसको कैसे सेव करना है, सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करेंगे, नीचे सेव एन इमेज का ऑप्शन देगा, उसको क्वालिटी पूछेगा, तो यहाँ पर अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी पे सेव कर लेना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन, आने वाले वीडियो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।